आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अहमद से, जिसने अपना वज़न 130 किलोग्राम से 70 किलोग्राम वज़न किया। उन्होंने ये कैसे किया और अब वो बड़ी बड़ी मशहूर सेलिब्रिटी को ट्रेनिंग भी देते हैं। जी अहमद भाई, इस आप सुना है कि अब आप जब आप हम गुजरते हैं जितनी भी फास्ट फूड की शॉप्स हैं, तो आपको कोई होता नहीं है यार कि फास्ट फूड को अब छोड़ना पड़ रहा है? क्योंकि वो हेल्दी नहीं है। अब मुझे नहीं होता, होता अगर मुझे पता ना होता, मेरे पास नॉलेज ना होता कि ये चीज़ें हेल्दी नहीं हैं और ये चीज़ें हमारी यूथ को ख़राब कर रही हैं। इंटरनली भी हार्मोन के इश्यूज भी हो रहे हैं और आगे लॉन्ग लाइफ में उनको बहुत नुकसान। कैसे अपने आपने को मेंटेन करते हैं इतनी वो स्पाइसी चीज़ें छोड़ के? मैं क्योंकि ये एक लाइफ चेंज मोमेंट थी मेरे लिए, तो जब एक दफ़ा आपकी लाइफ चेंज हो जाए ना, फिर आपके लिए, अब मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, वो सारी ये चीज़ें खाते हैं, उनको मैं समझाता रहता हूँ कि ये चीज़ें ना खाएं, ये चीज़ें छोड़ दें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी आ रहे हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल, बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अपने आप को ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा एक्टिव फील कर रहा हूँ और मैं प्रॉपर वर्कआउट करता हूँ। मुझे 8 साल हो गए हैं इस फील्ड में और मैं पहले से ज़्यादा अपने आप को फ्रेश फील करता हूँ। अब आपको लड़के क्या कह के बुलाते हैं? अब तो मुझे कोच, अच्छा, क्योंकि मैं कोचिंग भी करवाता हूँ, ज़बरदस्त, और मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ और फिटनेस आइकन के तौर पे लोग मुझे। लड़कियाँ कितनी मरती हैं अब? वो तो बेशुमार है। ये भी बताएं ना। ये तो मैं आपको स्लिम, काफ़ी अपना वेट आपने रिड्यूस किया आप तो। जी जी, बड़ा चैलेंज को एक्सेप्ट किया। जी जी, चैलेंज को एक्सेप्ट किया। और इसके अलावा जो बताया हमें कि आप ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, बड़े कोचिंग कर रहे हैं। जी जी, उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि जब मैंने सबको अचीव कर लिए अपने ऊपर, तो मैंने सोचा कि अब नॉलेज को आगे ट्रांसफ़र भी करना चाहिए, नॉलेज खुद गेन करना चाहिए, क्योंकि ये देसी जिम तो नहीं है ना कि आपने जो किया वही दूसरों को भी करवा दिया। मैंने इसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन की और सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनिंग के कोर्सेज किए, लेवल 1 लेवल 2, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली मैंने ISA से लेवल 3 पर्सनल ट्रेनर भी कर लिए और अब मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ। तो ये पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने किया हुआ है। और उसके बाद फिर मैं लाहौर के ऑनलाइन, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देर से चल रहा है, ट्रेनिंग देता हूँ मैं ऑनलाइन भी इंस्टाग्राम पे, वो मैं आपको लिंक शेयर भी करूँगा ताकि अगर आपके ऑडियंस ने कोई भी एडवाइस लेनी हो तो वो मुझसे ले सकते हैं। क्या जबरदस्त, आपके थ्रू फ्री गाइडेंस भी मिल सकती है उनको, जबरदस्त, थैंक यू। और उसके बाद मैं लाहौर के टॉप जिम में ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, जिसमें शेप्स है, UFC है और ऑक्सीजन है और पाकिस्तान के काफ़ी फेमस पर्सनालिटीज़ भी हैं, कुछ स्पोर्ट्समैन हैं, अब रिसेंटली इस तरह ये आगा सलमान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कुछ प्लेयर्स हैं जो मुझसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। और इंजरी भी थी, कईयों को इंजरी रिहैब करवाया है, कईयों को उनके गोल्स के अकॉर्डिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशंस की हैं और बहुत सी ट्रांसफॉर्मेशंस लोगों की कर रहा हूँ, लोगों को डाइट प्लान पे फॉलो करवा रहा हूँ, लोगों को एक उनका प्रॉपर लाइफ चेंज कर रहा हूँ और मैं इसमें बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे चूज़ किया, ज़बरदस्त माशा में। सर मुझे बताएं कि जो सेलेब्रिटीज को भी आपने काफ़ी आपके पास आई, आपने उनका वेट रिड्यूस किया है, कौन सी सेलेब्रिटी ऐसी हैं, हमें बताएंगे कोई? देखिए, स्पेसिफिक नाम तो इस टाइम मैं नहीं बता सकता, वो आपको इंस्टाग्राम से पता चल जाएगा, लेकिन काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं और कुछ स्पोर्ट्समैन हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आप हमारे जो देखने वाले हैं व्यूवर्स, आप उनको क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं जो कह रहे हैं कि भाई मेरे से तो वेट लूज़ नहीं होता? अच्छा, लेकिन देखें, वेट लूज़ के अलावा कोई चांस नहीं है, ये तो आपको करना पड़ेगा। और ये इसको आप ये ना लेके चलें कि मैंने वेट रिड्यूस करना है, आप अपने माइंड में ये थिंकिंग लेके चलें कि मैंने अपनी लाइफ को हेल्दी लाइफस्टाइल लेके जाना है, मैंने हेल्दी लाइफ, हेल्दी डाइट फॉलो करनी है और उस हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आना है। तो जब आप एक दफ़ा स्टेप इन करेंगे इसमें, तो आप ख़ुद अपने आप को देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप, बस आपने गिव अप नहीं करना, तो फैट भी रिड्यूस होगा, लाइफस्टाइल भी हेल्दी होगा और आप मेंटली भी बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे और फिज़िकली भी बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। बस अवॉइड करें ये जंक फूड, अवॉइड करें और फिज़िक ड्रिंक्स अवॉइड करें, ऑयली फूड्स अवॉइड करें, बाकी घर का खाना खाएं। सबसे सॉफ्ट सॉल्यूशन है कि जो हमारी वालदा घर में खाना बनाती हैं, चाहे वो जैसा भी है लेकिन वो हेल्दी है, बाहर के खाने से ज़्यादा हेल्दी है, और वो खाएं। और वाटर का इंटेक जितना ज़्यादा कर सकते हैं वाटर इंटेक हाई करें, क्योंकि हम जो एशिया कंट्रीज़ में रहते हैं ना, हमें वाटर इंटेक अपना हाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो पोल्यूशन बहुत है, दूसरा ये कि वेदर बहुत स्ट्रिक्ट वेदर हो जाता है यहाँ पे, बहुत हार्ड वेदर हो जाता, तो उसमें भी वाटर इंटेक हाई होना चाहिए हमारा। इसके अलावा सिंपल सोल्यूशन है, और ज़्यादा इस बारे में सोचें ना, स्टेप इन करें, डाइट
डाइट की तरफ आएँ, डाइट प्लान फॉलो करें, कोई खास डाइट प्लान मेरी फ्लेक्सिबल डाइट की तरफ, मैं दुनिया को लेके जाता हूँ फ्लेक्सिबल डाइट की तरफ। एक और भी चीज़ बताइएगा सॉरी, कि डेली कितने घंटे वर्कआउट करना चाहिए? देखें, आपका वर्कआउट होना चाहिए 30 to 40 minutes, इनफ है। 5 to 6 days अ वीक एक प्रॉपर HIIT वर्कआउट, या आप उसको कह लें कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। 30 to 40 minutes करें, उसके बाद 20 to 30 minutes आपका कार्डियो हो, जिसमें आपकी ट्रेडमिल हो, एलिप्टिकल हो, क्रॉस ट्रेनर हो, आर्क ट्रेनर हो, और दैट्स इनफ फॉर यू। अगर आपका कोई मेजर गोल नहीं है, अगर तो आपका बहुत मेजर गोल है कि आपने बॉडी बिल्डिंग में आना है, आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो फिर आपके पर्सन टू पर्सन वेरी करता है आपके अकॉर्डिंग। अब आपका गोल है कि मैंने बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो आपका गोल उस बंदे से डिफरेंट होगा जो फैट लॉस कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन होगा। लेकिन 40 मिनट्स आर इनफ फॉर द डे। उसके बाद आपकी बॉडी जो आपका सर्कल है, हमारे ना तीन तरह के सर्कल होते हैं, CP होती है, ATP होती है, और फास्फोरस आयन होता है, तो ये शिफ्ट हो जाता है। 40 मिनट्स आर इनफ फॉर द ट्रेनिंग।